नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एक टिकोमा का वैरायटी है और थोड़ा सा ये सेमी वाइन है। इसको अगर आप कहीं पर सहारा देकर चढ़ा देंगे तो ये बहुत लंबा चढ़ भी जाएगा, और इसको अगर आप कटिंग करके श्रब जैसा रखना चाहेंगे तो भी आप रख सकते हैं। मैंने भी इस तरह से कटिंग करके इसको श्रब की तरह ही उगाया है। आप देख सकते हैं कितने सारी फ्लावरिंग हो रही है अभी इनमें, और ये वाला पॉट इसको छोटा हो रहा है तो मैं इसको आज एक बड़े वाले पॉट में शिफ्ट करने वाली हूँ। ये 10 इंच का गमला है, प्लास्टिक का गमला है, और मैं एक 12 इंच के गमले में इसको शिफ्ट करूंगी। ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये गमले में मैंने कितने बड़े बड़े दो होल किए हैं। ये देखिए, गमले में होल करना बहुत जरूरी होता है, और अच्छी तरह से ये ड्रेनेज हो जाए पानी, तो इसके लिए मैंने बड़े वाला होल किया है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर देखिए मेरे गार्डन वेस्ट है। ये देखिए बिल्कुल आधा, ये हाफ डिकम्पोज हो गया है, आप कह सकते हैं हाफ डिकम्पोज ही है। और जो भी कचरा निकलता है इस तरह से मैं पॉलीबैग में रखती हूँ तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। ये देखिए, इसको मैं पहले नीचे दे रही हूँ। दोस्तों, ये खाद की काम भी करेगा और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहेगा। ये देखिए, तो मैं जो भी कचरा निकलता है मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, कहीं पर स्टोर करके रख देती हूँ। ये देखिए, देखने में तो थोड़ा सा गंदा लगता है पर ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, वन थर्ड तो इसमें गमले का यही कचरे में भर देना है ताकि मिट्टी की खपत भी थोड़ी सी कम हो। और यहाँ पर मैंने मिट्टी रखी है, ये बनाकर रखी है पहले से ही। इनमें बोन मील मिला हुआ है और थोड़ी सी सीवीड एक्सट्रैक्ट भी मिलाया है, एप्सम सॉल्ट भी डाली है, और बर्मी कंपोस्ट और नीम खली मैंने डालकर, इसको 15 दिन हो गए मैंने इसको मिट्टी को बनाकर ऐसे ही रखा था। पहले से अगर मिट्टी को बनाकर रखते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है प्लांट्स के लिए। ये देखिए, इस तरह से इसको थोड़ा सा भर देना है। दोस्तों, अभी मैं ये प्लांट को निकालती हूँ। ये देखिए, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों ये, और बहुत आसानी से ये लग जाता है। मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं और बहुत जल्दी इनमें रूटिंग हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं रूटिंग कैसे। ये देखिए, बिल्कुल रूट बाउंडिंग हो गया है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, रूट बाउंडिंग हो गया है इसका। नीचे से थोड़े से मिट्टी को हटाना है। थोड़े थोड़े ही रूट को कट करना है मुझे। ये देखिए, क्योंकि अभी इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है तो ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करूंगी मैं इसकी। ये देखिए, और अभी जो महीना चल रहा है अक्टूबर का महीना, अभी आप बहुत बढ़िया से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं प्लांट को, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। थोड़े थोड़े ही साइड से कुरेद रही हूं मैं। ये देखिए, और ऊपर का मिट्टी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं एक हफ्ते पहले ही इनमें फर्टिलाइजर दिया था। ये देखिए, ये हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, ये थोड़े से डीप कलर में है, तो अभी मैं ऊपर का मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी। ये देखिए, वैसे इसको एक बड़ा सा पॉट देना था ताकि इसकी ग्रोथ और भी अच्छा हो, और कुछ नहीं। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में इसको प्लेस करना है। ये देखिए, मैंने सेंटर में इसको रख दिया है, और ये किनारे किनारे
मिट्टी को भरना है। ये जो रिपोर्टिंग का वीडियो होता है, इसको बनाते वक्त कोई अगर होता है तो कैमरा पकड़ने के लिए तो बहुत अच्छा होता है। आज मैंने अपनी बेटी को दे दी है कैमरा, और थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और जो वीडियो होती है वो बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए दोस्तों, अकेले करने से ऐसा नहीं हो पाता। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ से जो मिट्टी है अच्छी तरह से दबा देना है ताकि एयर पॉकेट ना रहे। ये देखिए, केले के छिलके भी मैंने मिला लिए थे, तो केले के छिलके भी इसमें हैं मिट्टी में। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये रिपोर्टिंग हो गया है। बस इसमें थोड़ी सी अभी पानी देना बाकी है, और ये इसको मैं पानी बाद में दे दूंगी। दोस्तों ये देखिए, मेरे प्लांट अभी कितने खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका फ्लावर के देखिए, फ्लेम वाइन की तरह ही इसकी फ्लावर भी होती है, और बहुत ही डीप कलर का जो ऑरेंज होते हैं ना, वही कलर है। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा ट्रम्पेट वाइन जैसा है भी आप बोल सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा लगता है। तो दोस्तों, ये प्लांट आपको मेरा कैसा लगा आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।